हेलो दोस्तों, मेरा नाम सर्वेश कुमार है। मैं दुबई में 1 साल से हूँ और मैं आप सबको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि दुबई में कंस्ट्रक्शन लाइन में वाटरप्रूफ का काम कैसे किया जाता है। आप सबको दिखाऊंगा, ठीक है भाई? आप थोड़ा फेस दिखाएंगे क्या? इधर देखो भाई, आपका नाम क्या है? हमारा नाम फैयाज है। फैयाज भाई, आप कितने दिन से ये काम कर रहे हो? 3 साल से। 3 साल से। और इसके मतलब इसमें क्या क्या केमिकल मिलाया जाता है, आप थोड़ा बता सकते हैं? केमिकल तो एक आता है, इसका 3 आता है, लेकिन एक आता है मास्टर सील, मतलब ये है बासफ का। अच्छा, ये बासफ का अभी इधर ऑर्डर जैसा मिलता है वैसे ही काम किया जाता है। ये बासफ का दूसरा वाला आता है, मास्टर सील आता है, एक आता है पॉलीबी। तो इसमें मिक्स कैसे किया जाता है, आप बता सकते हैं? ड्रिल मशीन से किया जाता है, एक केमिकल एक वो सीमेंटेशन। अच्छा, ये देख सकते हैं आप लोग, ये मिक्स हुआ है वाटर प्रूफ, ये ब्रश से मार रहे हैं, ठीक है? आप लोग देख सकते हैं, ये क्या किचन है, बाथरूम में मार रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये ब्लैक हो जाता है और ऐसे वाटरप्रूफ किया जाता है, ठीक है? आप लोग देख सकते हैं अच्छा से, ये ऐसे वाटरप्रूफ होता है और ये लीकेज नहीं करेगा, ठीक है? हम आपको दिखा रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है भाई? ये लोग देखिए, और ये लगा हुआ वाटरप्रूफ हुआ है, ठीक है? आप लोग देख सकते हैं कैसा है, ब्लैक नहीं है, बहुत सूख गया है लेकिन ब्लैक नहीं है। इसमें केमिकल दूसरा पड़ा है ना, इसलिए ब्लैक लाइट ग्रे है, लाइट ग्रे है, इसलिए क्या नाम है, ब्लैक नहीं है। और जो ब्लैक है इसमें क्या है, कौन सा केमिकल है? ये पॉलीबीट का है, पॉलीबीट का ग्रे। हाँ, पॉलीबीट ग्रे है इसमें, पॉलीबीट, पॉलीबीट, ओके ओके, पॉलीबीट है इसलिए ये ब्लैक हो गया, ठीक है? ये वाइट है, इसमें दूसरा केमिकल है, ठीक है? आप लोग देख सकते हैं कैसे वाटर प्रूफ किया जाता है, दुबई में काम किया जाता है कैसे वाटर प्रूफ का काम, ऐसे ही होता है, ठीक है? ये भाई करते हैं, आप लोग देख सकते हैं इनको, ठीक है? देखिए दोस्तों, ये साइड साइड में कपड़ा लगा, ठीक है? कपड़ा लगाने के बाद वाटर प्रूफ होता है, ठीक? साइड साइड में कपड़ा लगाया जाता है किस लिए? लीक नहीं होगा, लीक नहीं होगा। और क्या बताया और पहले आप? जैसे इसमें पाइप में लगा देगा, फर्स्ट तो पाइप में लगा करके साइड साइड कम से कम 5 सेंटी ऊपर अच्छा। लगाने पड़ता है, उसके अच्छा, बाद अच्छा। इसमें जो है मुमकिन 40 सेंटी हाइट, इसका जो साइड साइड से मारा जाता है। अगर सावर एरिया है तो उसमें तो 1 मीटर 80 सेंटी मारता है, ये सावर एरिया हो गया, ये ऊपर वाला जो ब्लैक नज़र आ रहा है ना, थोड़ा दिखा बता तो। ये मुश्किल नहीं है, ब्लैक जो नज़र आ रहा है ना, ब्लैक, ये सावर एरिया है। अच्छा, इसमें मार दिया वाटर प्रूफ, अभी इसमें साइड साइड से इधर 40 सेंटी मारेगा और। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये ब्लैक वाला ही लगेगा पूरा, ठीक है? आप लोग देख सकते हैं ये डब्बा है, इसमें केमिकल आता है, ठीक है? वाटर प्रूफ वाला केमिकल इसमें आता है, ठीक है? आप लोग देख सकते हैं, ये नाम मास्टर सील, मास्टर सील है, ठीक है? आप लोग ये देख सकते हैं 550, हाँ 550, ओके, बासप का ये। आप लोग देख सकते हैं ये केमिकल है, और एक ये बोरी में आता है, ये बोरी में आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं नाम, ठीक है? और ये इसमें पाउडर होता है और इसमें केमिकल कैनिम होता है, ठीक है? दोनों मिक्स किया जाता है और फिर उसके बाद वाटर प्रूफ किया जाता है, ठीक है? आप लोग देख सकते हैं बाहर साइड, देखिए भाई आप लोगों को दिखा सकते हैं कि ये बालकोनी में भी वाटर प्रूफ होता है, ठीक है? इसमें वाइट वाला पेंट लगा हुआ है, ठीक है? ये आप लोग देख सकते हैं कि वाइट का है वाटर प्रूफ, ठीक है? वाइट लगा है, इसमें लीकेज नहीं होगा, ठीक है? अच्छा से है वाटर प्रूफ, आप लोग देख सकते हैं कैसे लगा हुआ, ठीक है? आप लोगों को अच्छा से दिखा दे रहे हैं, बाहर का भी ले लो थोड़ा नज़ारा।
देख लीजिए आप लोग, थोड़ा बाहर साइड दिखा देते हैं, आप लोग देख सकते हैं ठीक है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग के लिए ही वीडियो बनाए हैं कि मतलब सीख सकते हैं आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से कि कैसे काम होता है दुबई में ठीक है, आप लोग देख लीजिए।